हेलो। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ जो नेक्स्ट अपडेट में आने वाला है। पर पहली बात तो ये कि भाई, आप अब देख सकते हो कि पूरे बरमोड़ा मैप में चारों ओर बर्फ जम गया है और भाई सब पीक भी एकदम पूरा का पूरा चेंज हो गया है। उसकी छत जो है एकदम फैक्ट्री की तरह कर दिया है, यानी कि मिनी फैक्ट्री। और ऊपर से ये बर्फ से जमा हुआ पूरा का पूरा पीक एकदम मस्त लग रहा है। और ऊपर से हम यहाँ पे उतर के अपना गोल्डन डेज की तरह हम यहाँ पे फिस्ट फाइट भी कर सकते हैं। और भाई साहब, अपने तो पुराने गोल्डन डेज वापस आ ही चुके हैं। भाई ये तो पहला अपडेट हुआ, मैं दूसरा अपडेट बताऊंगा, आप पक्का बोलोगे कि भाई गोल्डन डेज यही है हमारे। और ऊपर से ये पीक आपको कैसा लग रहा है, आपके हिसाब से ये पीक कैसा है वो कमेंट करके जरूर बताना। और भाई साहब, दूसरे अपडेट में तो जो बीआर रैंक पुशर है उनके लिए फायदा है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे हमको मिल गया है उड़ने वाले शूज एंड काफी सारी नई चीजें ऐड की गई है, जैसे कि टेलीपोर्ट हो गया और एक दूसरा है, दो तीन कैरेक्टर स्किल ऐड हो चुके हैं यहाँ पे, जो आप पैसे दे के खरीद सकते हो। और ये सारी स्किल्स आप खरीद के इजीली आप कोई भी प्लेयर को आप मार सकते हो, यानी कि भाई नूब बंदे भी आपको मार के चले जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ना ही नूब नूब रहेगा, ना ही प्रो प्रो रहेगा, भाई साहब सब बंदे एक लेवल के रहेंगे, यानी कि हमारा गोल्डन डे वापस आने वाला है। और ऊपर से जो ये शूज हमको दिए जा रहे हैं उसकी उड़ान जो है इतनी बड़ी भी नहीं होगी, एकदम स्मॉल जैसी उड़ान होगी, जो इतना ऊपर भी नहीं जाएगा। और भाई साहब, आप छोटे छोटे कुछ घर हो गए उस पर आप इजिली चढ़ पाओगे। और भाई साहब, सर्वाइवर के लिए बैड न्यूज है, क्योंकि भाई आपकी जल्द से जल्द पेटी बनने वाली है। और भाई नेक्स्ट चेंजेस आप सुन के भाई एकदम शॉक होने वाले हो। और वो चेंजेस ये है कि आप अपना जो कैमरा है एकदम अपने सर पे ले जा सकते हो, यानी कि भाई आपके सर पे कितने बाल है वो इजीली गिन सकते हो। और भाई साहब, ये चेंजेस का क्या फायदा है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। और फायदा हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, बट ये देख के मेरे को मजा बहुत आ रहा है। और ये आप चलते वक्त ही नहीं, आप अगर बैठे हो गाड़ी में बैठे हो तब भी आपका कैमरा एकदम सर पे चला जाएगा, या तो फिर आप नीचे घुमाओगे तो एकदम नीचे भी चला जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। नेक्स्ट भाई साहब, चेंजेस बहुत खतरनाक है। जो हम यहाँ पे पीक पे हम जाते थे तो एक हमको सीक्रेट कमरा दिखता था, बट हम वहाँ पे जा नहीं पाते थे। इन लोगों ने भाई वो भी दरवाजा खोल दिया है, जैसे देखो मैं जा रहा हूँ अभी, और ये आपको कमरा दिख रहा है, एकदम स्मॉल कमरा है। और भाई साहब, ऊपर से आप कैंपर हो, अगर आप नेक्स्ट लेवल के कैंपर हो तो भाई साहब कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके लिए गुड न्यूज यही है। और भाई साहब, मेरे को तो लगता है कि पीक पे जो ऐसे ऐसे चेंजेस कुछ दो तीन किए हैं कि भाई साहब, जो पहले यहाँ पे उतरते थे पीक पे, जितने भी बंदे उतरते थे वो फिर से यहाँ पे पीक पे उतरेंगे नए वाले पीक के साथ खेलने के लिए। और भाई नेक्स्ट अपडेट ये है कि भाई आप जो ड्रॉप चार्ज करते हो, चार्ज वाला ड्रॉप जो आता है उस पर आपको कैरेक्टर स्किल भी दिखेगी, जो कि यहाँ पे मैंने जो देखो जूते को चेंज करके मैंने कैरेक्टर लिया है दूसरा। और भाई अब तो प्रो प्लेयर भी कहेगा कि भाई नूब नूब ना रहा। और इसमें टेलीपोर्ट वाला भी मिल सकता है, इसका कोई अंदाजा नहीं है कि हमको क्या मिलेगा उससे। और भाई ये टेलीपोर्ट जो है भाई, मेरे को तो एकदम नेक्स्ट लेवल लगा है। और आपका ये यूज करके कहीं से भी कहीं जा सकते हो टेलीपोर्ट होके, जो कि मैं अभी यूज करूंगा कि भाई जो मेरा टेलीपोर्ट सामने दिख रहा है वहाँ पे हम टेलीपोर्ट इजीली हो सकते हैं। आप देख सकते हो मैं यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वो हो सकता हूँ इजीली। और ये जोन सर्वाइवर के लिए भाई एकदम बेस्ट रहने वाला है। ऊपर से आप बोले तो भाई जोन का नामो निशान मिट चुका है। ऊपर से टेलीपोर्ट वाला जो हमको मिल रहा है वो कितनी भी रेंज में आप लगा सकते हो, जितनी उसकी क्षमता है वहां तक आप लगा सकते हो। और भाई कोई बंदा कहेगा कि भाई हम तो भाई सारी जगह पे टेलीपोर्ट होके जाएंगे, छत पे जाएंगे, किसी घर के छत पे जाएंगे, बड़ी बड़ी इमारतों पे जाएंगे, तो गलत है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक भीमा शक्ति के टावर पे मैंने किया, तो भाई वहाँ पे भी टेलीपोर्ट नहीं हो रहा था। और मैंने किया टावर पे भी टेलीपोर्ट नहीं हो रहा था। और भाई ये पीक भी छत पे किया मैंने, तो वहाँ पे इजीली टेलीपोर्ट हो रहा था, तो मैं वहाँ पे जल्दी से छत पे चढ़ गया। और यहाँ पे आप एक फायदा और भी है कि आप जो यहाँ पे छत पे जो कैंपर है, कैंपिंग करने वाले बंदों को आप इजीली मार सकोगे। और एक चेंजेस वो होने वाला है, जहाँ पे आप बॉन फायर लेते हो और बाकी सारी चीजें लेते हो, वहाँ पे एक नया आया है जो शॉपिंग वाला है। आप वेल्डिंग मशीन कहीं से भी खरीद सकते हो, आप वेल्डिंग मशीन से हर कोई चीज खरीद सकते हो, और वो आप यूज कर सकते हो पूरे मैप में, कहीं पे भी यूज कर सकते हो, और फ्री की चीज आप ले सकते हो। जितने आपके पास टोकन है, टोकन से आप कैरेक्टर स्किल भी खरीद सकते हो, नई नई जो डिमेट्री अवेलेबल
अवेलेबल है। काफी सारी जो यहाँ पे कैरेक्टर स्किल्स है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल है। और नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो हमारे गेम में ऐड होने वाला एक कैरेक्टर जिसका नाम है लेगनिस, और इसका क्या उपयोग है और इसकी एबिलिटी क्या होने वाली है मेरे को पता नहीं है, बट मैं आपको ये ना एक बार गेम में ट्राई करके दिखा देता हूँ। अगर आपकी उसकी एबिलिटी की बात करें तो ये लग तो रहा है एकदम खतरनाक एबिलिटी लग रहा है, बट उसका कोई इफेक्ट है ही नहीं, इसका डैमेज है ही नहीं। अगर मेरे को लगता है कि अगर आप उस कैरेक्टर स्किल में हो, अगर वो कोई बंदा आप पे रश कर रहा है या कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है तो उसको डैमेज देगा अगर वो आप कैरेक्टर के अंदर हो तो। और इसमें इतने सारे चेंजेस किए गए हैं कि भाई हमको गेम खेलने में जितना मजा आता है उससे दुगना हमको खेलने में मजा आएगा। और आई होप कि मैंने जितने भी चेंजेस थे वो मैंने आपको सारे के सारे मैंने आपको बता दिए है, और इसमें जितने भी अपडेट आया वो एकदम मस्त अपडेट दिया गया है, और गेम से हम ज्यादा से ज्यादा एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। चलो तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड अपने दोस्तों को भी जरूर से जरूर शेयर करिएगा जिससे उसको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके।